ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर, जहां आज सातवीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरते और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए बातचीत करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दोनों नेता जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और आइए बात करते हैं भारत और जर्मनी के रिश्तों के बारे में, जिसकी जो नींव है वो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। जर्मनी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है और साथ ही यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी भारत की स्थायी सदस्यता का हमेशा समर्थन करता रहा। देखिए से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत और जर्मनी के बीच के रिश्ते साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच 2000 से रणनीतिक साझेदारी है, जिसे सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्श के शुभारंभ के साथ और मजबूत किया गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, निवेश और उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न मोर्चों पर सहयोग है। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज फोकस ऑफ इंडिया को मंजूरी मिल गई है, जिसमें सभी ने भारत के साथ संबंधों को आगे ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दरअसल फोकस ऑन इंडिया नामक ये दस्तावेज जर्मन सरकार द्वारा देश को समर्पित किया गया पहला दस्तावेज है। जर्मनी अगले साल भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा और फोकस ऑफ इंडिया को मंजूरी मिलना एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 25 और 26 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। एपी के एक द्विवार्षिक सम्मेलन है और 1986 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जर्मनी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। जर्मनी 2023 और 24 में भी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। जर्मनी और भारत G4 के ढांचे के भीतर यूनेस्सी विस्तार पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं भारत जर्मनी में रोजगार पाने के इच्छुक छात्रों, प्रशिक्षुओं और श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देता है। पिछले 4 सालों में जर्मनी में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या 4 गुनी हो गई है। जर्मनी में लगभग 2.46 लाख भारतीय पेशेवर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, व्यवसायी, नर्स और छात्र के रूप में जर्मनी में रह रहे हैं। 2024 में भारत और जर्मनी भारत जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत मई 1974 में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर एक अंतर सरकारी समझौते के तहत हुई थी। भारत ने जर्मनी में प्रमुख विज्ञान परियोजनाओं में निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।